हमारे बीच में सालों पहले एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम अब्राहम था। मुझे बाइबल के अंदर कुछ लोग बहुत ज्यादा पसंद हैं, उनमें से एक है अब्राहम। हम ऐसे जमाने में रहते हैं, मुझे याद है जब मैं नया नया विश्वास में आया तो सीडीज में थी, सीडीज वाइट वाइट, किसको याद है, वाइट सीडिया में थी। उसके बाद पेंड्राइव का जमाना, सारा सारा दिन जाके बैठना पड़ता था पेंड्राइव में कुछ जाते। उसके बाद सब बंद हो गया, एक नया आया टूल YouTube। मैं जब प्रभु में आया तो मुझे सीडीज होती थी, यू नो डीवीडीज होती थी पहले, वो सब बंद पड़ी है, सब पे मट्टी चढ़ी हुई है आजकल, किसी के भी घर में आप जाओ पे डीवीडी चलती है, सब यूट्यूब पे आ गया है। सो अब्राहम भी ऐसे एक समय में रहते थे जहां पर ये सारी चीजें नहीं थी, कोई सोर्स नहीं, कोई पास्टर नहीं था, कोई चर्च नहीं थी, कोई यूट्यूब नहीं था, इवन कोई सेल ग्रुप नहीं चलता था उन दिनों में जहां पर आप जाके प्रभु के वचन को समझ पाओ और सुन पाओ। अजब में अब्राहम में एक चीज ऐसी थी जो आज आपको बहुत कम लोगों में दिखाई दे। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को थामा था। आज मैं नहीं जानता हूं आप से कितने लोग यहां हैं जिन्होंने ये पढ़ा है कि परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा कि मैं तेरे तुझे एक बेटा दूंगा और उसी के द्वारा तेरा वंश चलेगा, और जब परमेश्वर ने उसी बेटे को मारने के लिए कहा उससे, तब वो तैयार हो गया, क्योंकि अब्राहम जानता था यदि ये मर भी गया तो प्रभु से मृतों में से जिंदा कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने एक बात कही है, इसी के द्वारा वंश चले। आप देख रहे हैं लाइफ में कितने अप एंड डाउन आते हैं, हेल्थ इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में चलती हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं आप इससे कितने लोग हैं जो उसके वचन को इस तरह थामे रहते हैं कि चाहे मैं जो भी देखूं, चाहे मैं जो भी सुनूं, चाहे मैं जो भी फील करूं, मैं किसी बात पे ध्यान नहीं दूंगा, मुझे एक ही बात पता है, प्रभु अपना वचन पूरा करेगा। God will fulfill his word. God will fulfill his word. इन दिनों में हमारे पांच सेंसेस हमें बहुत डोमिनेट करते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनकी फीलिंग्स उनकी लाइफ चलाती है। मैं आपको एक विनती करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप है ना अपनी फीलिंग्स के साथ मत चलिए। जब भी आप दुखी है ना, आप समझ जाओ आप अपनी फीलिंग्स के वश में, लेकिन जब भी आप उत्साहित हो आप याद रखो आप प्रभु के हाथों में आ चुके हो, क्योंकि परमेश्वर किसी को कभी निराश नहीं करता और शैतान किसी को आशा नहीं दे सकता। मैं कल संडे था, मैं प्रभु की कलीसिया में खड़ा था और एक लाइन मैंने कही जो मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ। इस समय मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, उसके बाद आई ट्रांसलेट इन हिंदी, उसके बाद मैं आपके लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। God does his greatest work in the hearts of darkness. परमेश्वर अपना महान काम उस समय करता है जब आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। अगर आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो एक आशा से गुजरिए कि परमेश्वर आपके लिए कुछ महान करने वाले हैं। और
समथिंग अमेजिंग। यह न समझिए कि आपके पास तकलीफें हैं तो प्रभु वहां नहीं। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होके जाऊं तो भी मैं न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। सो आज परमेश्वर जो एक वचन है, कई एक प्रभु वचन है जो मैं ही बोल रहा हूं, ये परमेश्वर परमेश्वर वचन है। और आज मैं सिर्फ आधा घंटा हाफ एन आवर मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सुनेंगे पक्का? पूछो बाबू जी, सुनेगा बता सुनोगे? हिंदी आती है ना कि मराठी? एकदम दूसरे मराठी समझ में आती है। ऊपर जाके बैठो ठीक है, मैं मराठी में बोलने वाला नहीं हूँ। ओके, सब तैयार है? एक छोटा सा वर्ड हम शेयर करेंगे और मैं आज बात करना चाहता हूं अपो प्रेयर, प्रार्थना। कहिए प्रार्थना। आज चाहते हैं हर रिलीजन में लोग प्रेयर करते, हर रिलीजन हर धर्म के लोग प्रार्थना करते, पर चाहते हो हमारा कुछ डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? हम अलग क्यों ठहरे? यस, थ्रू अंकल कोई और? हाँ, कॉपी मत करो ना उनका। अच्छा, धन्यवाद। और कोई? हमारी दुआ और दुनिया की दुआओं में क्या फर्क है? Yes, praise Lord, sister. Very nice. चलिए आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंस समझाऊंगा। सब तैयार है? चलिए आप मेरे साथ बाइबल खोलिए जल्दी जल्दी से। ओपन योर बाइबल विद मी, मेरे साथ खोलिए मरकुस रचित सुसमाचार। इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं तो गॉस्पल ऑफ मार्क, मरकुस रचित सुसमाचार। मैं आज आपको बताऊंगा क्या फर्क है, हम क्यों दुआ करते हैं और लोग क्यों दुआ करते हैं। ठीक है जी, आइए सामने देखिए। ओके, पहले हम बाइबल खोलेंगे और कोई भी अपना फोन मीटिंग में बाहर नहीं निकाले। ठीक है, मैं दुआ करता हूँ आपके लिए फोन में। प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ जो मीटिंग में फोन चलाए उसका फोन आज पानी में बपतिस्मा मिल जाए उसे। ओके, आप चाहते हैं ऐसा हो? नहीं ना, अंदर कर रहे, अंदर रख रहे सिस्टम। आप मीटिंग में हैं, फोन कभी भी मीटिंग में नहीं करना जा सकता। पहला अध्याय मरकुस। आप सबको एक छोटी सी बात बोल सकता हूं, आप बुरा नहीं मानेंगे। कहिए मेरे पीछे, मीटिंग में फोन यूज करना बैड हैबिट। कभी कभी करते हैं लोग पीछे बैठ के, है ना? It's not a good thing. Honor the word of God. है ना? हमें प्रभु के वचन का आदर करना है। एक अध्याय और हम पढ़ेंगे 35वां वचन। ठीक है, मैं तीन गिनूंगा, हम सब अपनी अपनी बाइबल में से जोर से पढ़ेंगे। 1, 2, 3। बहुत वो दिन निकलने के बहुत पहले वह उठकर निकला और जल्दी स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आइए सामने देखिएगा। हमारी बाइबल कहती है जीसस 11 बजे नींद से उठा और प्रार्थना करने लगा। सूरत भाई आप हमारी बात कर रहे हो? खुदा का कलाम कहता है सूरज निकलने से पहले, इसे भोर कहते हैं, भोर इसको सुबह भी नहीं कहा जा सकता। सुबह सूरज निकलने के बाद गिनी जाती है। ये सुबह नहीं है, ये भोर है। ये जो टाइम है ना, न रात में आता है न ये सुबह में आता है, ये भोर का समय है। जीसस ने
अपनी प्रेयर लाइफ के लिए ऐसा टाइम चूज किया। आप 5 बजे उठते हो ना तो भी आप 1 घंटा यीशु से दूर। अब सवाल ये है, यीशु ने भोर क्यों चुनी थी? क्योंकि याद रखिए, अगर आप 9 और 10 बजे के बाद दुआ करते हैं तो आपका मन वैसा नहीं रहेगा जैसा सुबह में होता है। हर कोई आपको 10 बजे के बाद ढूंढेगा, किसी को आप में काम है, भाई जा लाइट का बिल भर के आ, ओके जा भाई मेरे लिए ये कर दिया, ओके। आप जानते होंगे घर वाले बहुत सारे काम देते हैं, फोन अलग बजते हैं, नौकरी हमें पुकार दिए 11 बजे मेरे पास पहुंच, मन बन जाए और माइंड का डिवाइड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी जल्दी उठो, क्योंकि मुझे पता है कभी कभी कुछ लोगों के लिए कठिन। मैं एक बार एक कॉलेज में था, बच्चों को पढ़ाने गया था, और जब मैंने उनको कहा कितने लोग सुबह 4 बजे मेरे साथ उठ के प्रार्थना कर सकते हैं, सारे बच्चों ने हाथ उठाया। और सुबह जब मैंने उनको उठाया और हम लोग राउंड लगा के बैठे थे, तो मैंने क्या देखा, 15 लोगों में मैं अकेला ही प्रार्थना कर रहा हूँ, सब सोए और ऐसे ऐसे पढ़े, हाँ आमीन बस आमीन लगे रहो बस, है ना। हम लोग है ना प्रभु में भी लॉटरी लगाने की कोशिश करते हैं, ना कभी नहीं लॉटरी, लॉटरी खेले कभी आते, अभी तो नहीं खेलता है, शुक्र है। यू नो हम लोग सोचते हैं कि हम डिसिप्लिन में स्लोली 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 नहीं जाते, डायरेक्ट जंप मारते, इट्स डिफिकल्ट। जो 10 बजे उठता है ना उसको 8 बजे उठना चाहिए, जो 8 बजे उठता है वो 7 बजे उठे, 7 बजे उठता है वो 6 बजे आहिस्ते 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 नीचे। एक भाई ने कहा मेरे को, मैं 40 दिन का उपवास करना चाहता हूं। मैंने कहा रीजन, बोला रीजन कुछ भी नहीं है, मैं करूंगा। ठीक 40वें दिन मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा किधर है, उसका फोन किसी और को है, मैंने कहा भाई किधर है, बोला कल एडमिट हुआ है। और करो ऐसे उतरो, धीरज रखो, खुदा एक दिन में दुनिया बना सकता था, वो भी 6 दिन लिए उसने, पेशेंस के साथ काम किया उसने। अब प्रभु के लिए एक दिन दुनिया बनाना कठिन था, पर 6 दिन लगाए उसने। यीशु ने सुबह चुनी, और अब देखो यीशु ने प्लेस भी चुनी, यीशु ने प्लेस चुनी जंगल, अकेली जगहों पे गया, इतना प्राइस। मेरे भाइयों मेरी बहनों सुनिए, अगर आप अपना प्रेयर इंजॉय नहीं करते ना, आपने लाइफ में कुछ इंजॉय नहीं किया। प्रार्थना एक ऐसी चीज है कि जब आप रात को सोए ना, इस खुशी खुशी में सो जाए कि यार मैं सुबह उठ के खुदा से बात करूंगा। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे प्रेयर में इतना मजा आता है, मुझे आज तक कभी प्रेयर भारी नहीं करी। मैं कभी कभी लोगों को बोलता हूं प्रार्थना करो, प्रार्थना आपको पता है, इन दिनों में बहुत सारे विश्वासी वर्शिप पूरी हो जाने के बाद दुआ में प्रेयर में आते। एक बार मैंने उसे पूछा भैया लेट क्यों आते हो, पास्टर वो वर्शिप में खड़ा रहना पड़ता है, वचन पे बैठने को मिलता है, तो वर्शिप पूरी हो जाती है इसलिए हम लोग फिर आते हैं, ताकि सीधा हमें बैठ जाए, नहीं तो जो आराधना करते ना खड़े रह रहे कि उनको देखते रहते तो बैठे हुए। कुछ लोगों को है ना ये चीजें बोर करती हैं, पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, अगर आपको वर्शिप बोर करती है, प्रेयर बोर करती है, आप स्वर्ग आके करोगे? बोलो बोलो बच्चों ने बोलो क्या करोगे, उधर उधर तो होता ही कोई, आपको क्या लगता है मामला ऐसा है? आप उस वर्ग बोल लेके जाएंगे चलो चलो वाटर पार्क चलो? नो, वहां पर मेमने की शादी है, वहां आराधना है,
ओ मेरे भाइयों बहनों, वो हमारा आनंद है, वर्षित है। मैं आज एक संदेश सुन रहा था, बेटा मत करना, तू भविष्य है बेटा, वर्तमान चौपट मत कर। आइए सामने देखिए, आज मैं बिली ग्राम का एक संदेश सुन रहा था, अभी आप याद है, उन्होंने खूबसूरत बात कही, जिसने आने वाला जीवन इस जीवन में नहीं जिया, वो उस जीवन के लिए फिट नहीं बैठे। वाह, नहीं समझे? जिस व्यक्ति ने मरने के बाद जो स्वर्ग में जीवन जीना है, जो जीवन वहां जीना है, अगर आपने वो जीवन अभी नहीं जिया तो आप उस जीवन के लिए कभी फिट नहीं बने। नाउ मेक सेंस, इफ यू नेवर लिव अ नेक्स्ट लाइफ इन दिस लाइफ, यू आर नॉट फिट फॉर एटर्निटी। जिस व्यक्ति ने यहां आराधना नहीं की, वो वहां क्या आराधना करेगा? अगर आपने मेरी बात को नहीं समझा तो मैं आपको दोबारा एक तरफ एक बार फिर से कहना चाहता हूं, इफ यू नेवर लिव दिस लाइफ इन दिस लाइफ, अगर आपने वो जीवन इस जीवन में नहीं जिया, आपके लिए एटर्निटी कुछ नहीं होगी। यीशु ने अधिकतर समय उस जगत की बातें की, जो तुम यहां बांधोगे, जो मेरा यहां इनकार करेंगे वहां इनकार करूंगा, वहां बांधूंगा। प्रभु ये वहां वहां क्या? यीशु मसीह आने वाले जगत का प्रचार करते हैं। यू ऑलवेज प्रीच अबाउट द कमिंग वर्ल्ड। जो मेरी छोटी छोटी बातें मानेगा वो वहां पर महान कहलाना चाहेगा। बाइबल सेज वो जीवन जो मरने के बाद जीना है वो आपको यहां जीना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर एक ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जिसमें टीवी, फोन, परिवार, नौकरी, बस यही चीजें हैं, खुदा के साथ कुछ है ही नहीं देना देना, मैं आपको सच कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, जिसने यहां जिंदगी नहीं जी तो वहां पर क्या जी पाएगा? Live a next life in this life. कुछ लोग उधर भी शादियां करेंगे। हमारे कलीसिया में हस्बैंड वाइफ है, वो उसे प्रेयर करवा रहे थे, उससे उन्होंने मुझे कहा ब्रदर आप ना प्रार्थना करना, हम दोनों वहां भी एक साथ तुम लोग स्वर्ग शाह, तुम लोग मर गए शादी उम्र, उधर भी शादियां करनी है। Yes, सच्ची में कई लोग इतना एक दूसरे से अटैच करते बातों बातों में, हम स्वर्ग जाएंगे ना? हाँ हम जाएंगे, आपका मेरा मेरे पास पास में होगा ना, मैं प्रार्थना करूंगा दूर दूर हूं, बहुत दूर दूर है। बोलो बाजू वाले को, हम स्वर्ग एक दूसरे के लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए जा रहे हैं। आप हर गए, आपकी वाचाएं टूट गई, खत्म हो गया आपका मैरिज वगैरह सब, अब उधर आप यीशु के लिए जाओगे। और विश्वास कीजिए, अगर वहां पर कोई गया और वो वहां पर अपनी पत्नी और पति को ढूंढ रही है, प्रभु हाँ कहां है मेरा पति, प्रभु स्वर्ग तो बोलेगा अभी आई कैसे, तो निकाल बात आपके लिए वैसे ही बोलेगा, हम वहां पर उसके लिए जाएंगे। अब सुनिए, जीसस ने मॉर्निंग चूज की, जीसस ने डेजर्ट चूज किया, जंगल। पता है जंगल क्यों चूज किया? कोई नहीं आया, नो कुत्ता, नो बिल्ली, नो तोता। कभी कभी कुछ घरों में
कुत्ता बिल्ली कुत्ता खरगोश शेर पता नहीं कभी लाएंगे। एक दिन मैं एक घर में गया, वहां पर छह किस्म के जानवर थे। मैं दुआ कर ही नहीं पा रहा था किसी भी रूम से। मैं जानवरों से मैं भी प्यार करता हूँ। फिर मैंने उनको पूछा, ब्रदर ये इतने जानवर हो ब्रदर हम क्या करेंगे। छह कुत्ते कर एक घर में छह कुत्ते प्रार्थना कैसे करते हो? चलो ठीक है रखो छह क्या दस रखा कर घर तो रानी बाग बना सुनो। पर क्या दुआ के समय वो सब बाहर होते? क्या आपका दुआ के समय फोन बाहर है? आइए यहां देखिए, मैं यहां यहां देखिए इस मीटिंग में बात करते हैं। ठीक अब तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली चीज वो बहुत बोलता था, दूसरी चीज उसे प्रार्थना के लिए जंगलों को चुना था, अब तीसरी चीज मैं कुछ बताना चाहता हूं, ये बड़ी जबरदस्त है, वो सबसे अधिक दुआ करता है। चलिए अब अपने संदेश को शुरू कर रहे हैं। सामने देखिए हमारी बाइबल में अब्राहम ने प्रार्थना की थी, उसने प्रार्थना की अबीमेलेक के परिवार के लिए। अबीमेलेक के परिवार में जितनी भी औरतें थी उन्हें बच्चे नहीं होते थे, आप पढ़ सकते हो, और बैरन वुमेन्स। पर जैसे ही अब्राहम ने उनके लिए प्रार्थना की, बाइबल कहती है यहोवा ने उनकी गर्भ खोली। आमीन। पहली चीज ये याद रखिए, आपका प्रभु गर्भ को खोलने वाला परमेश्वर है। आइए आप उसके बाद पढ़ेंगे परमेश्वर का एक और जन था जो प्रार्थना करता था, और उसका नाम था मूसा। मूसा ने प्रभु से कहा मुझे इसराइलियों के लिए खाना प्रोवाइड कर, और परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुन के आसमान से 40 साल तक खाना दिया। अब्राहम ने किस चीज के लिए प्रेयर की? हाँ प्लीज अगर आप बोलेंगे ना हल्दी हल्दी, किस चीज के लिए प्रेयर की? और मूसा किस बात के लिए प्रेयर कर रहा? वेरी नाइस। आइए आगे बढ़िए। अब बाइबल में आपको एक और व्यक्ति मिलेगा जो बहुत प्रार्थना करता था, इसका नाम था नेहमिया। प्रभु का वचन कहता है नेहमिया ने यरूशलम की दीवार को बनाने के लिए प्रार्थना की। आप सभी जानते होंगे यरूशलम एक ऐसा नगर है जो दीवारों से घिरा हुआ है, पर दुश्मनों ने जब उसे तोड़ दिया तब नेहमिया को प्रभु ने बोझ दिया इसे बना, और प्रभु का वचन कहता है नेहमिया ने दीवार को बनाने के लिए प्रेरित। आइए एक और व्यक्ति से मिला, इसका नाम था यहोशापात। यहोशापात को जब पता चलता है कि कुछ लोग मुझे खत्म करने आ रहे हैं, छोटा सा नेशन था वो यहूदा, और प्रभु का वचन कहता है यहोशापात ने प्रार्थना की कि प्रभु तू मुझे बचा, और खुदा ने उसे बचाया। आइए और एक और व्यक्ति है, इसने भी जबरदस्त प्रार्थना की, इसका नाम है एहलिया। ये बाल के नबियों के सामने खड़ा था और प्रभु को कहता है प्रभु इन लोगों के सामने अपनी आप को बेचकर उत्तर दे कि तू ही परमेश्वर है। और हम सभी जानते हैं कैसे एहलिया की प्रार्थना सुनी गई और परमेश्वर ने स्वर्ग से अपनी आप भेजी। आइए मैं आपको एक और वॉरियर से मिलाता हूं जो दुआ करता था, उसका नाम था दानियल। दानियल जो था दर्शनों को पाने के लिए, शेरों का मुंह बंद करने के लिए, वो थोड़ी थोड़ी बातों के लिए प्रेयर करता था। मेरे पास एक लिस्ट है बाइबल के अंदर, आप कभी भी नहीं पढ़ोगे कि किसी ने बगैर तकलीफ की प्रार्थना की है। हर प्रेयर में समस्या है। शो मी अ प्लेस कोई उठा और प्रार्थना करने लगा, कभी नहीं पढ़ो। सबके पास विषय था, कोई प्रेयर कर रहा था बच्चा मिल जाए, हन्ना प्रेयर कर रही थी, कोई प्रार्थना कर रहा था युद्ध जितवा दे, कोई प्रार्थना कर रहा था आज जितवा दे। अब
बाप का एक सवाल पूछना चाहता हूं, यीशु के पास क्या समस्या थी जो वो इन सबसे पढ़कर रहा था? यीशु के पास कोई समस्या नहीं, उसको आईफोन 14 प्रो नहीं चाहिए था, ना इसको बड़ा घर चाहिए था, ना उसको बीमार था कि वो चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा। आपको पता है इन सबसे बढ़कर वो प्रार्थना करता था, और सबसे बड़ी बात उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बिलीव नहीं करता हूं कि यीशु मसीह रोता होगा टूटा नेवर। मुझे नहीं लगता है कि यीशु मसीह अपने दिनों में कुछ ऐसा मांगता होगा जो संसारिक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों प्रॉब्लम न होने पर भी वो सबसे अधिक दुआ करता था। बिकॉज ही लव्ड द फादर। यीशु सिर्फ इसलिए प्रार्थना करता था क्योंकि वो पिता से प्यार करता था। अगर आप यीशु को जाते हुए देखना, प्रभु आप कहां जा रहे हैं? परमेश्वर से बात कर रहे हैं। किस विषय पे? मेरे पास कोई विषय नहीं है, आई लव माई गॉड। जा रहा हूं, मेरी दुआ है आप यहां पहुंचे जहां पर आप ये बात समझ पाए, प्रेयर इज अ लव। कितने लोग हैं मुझे बताइए, एक टाइम ऐसा हम निकालते हैं जिसने आप खुदा से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ और सिर्फ आप उसके करीब जाते हैं ताकि वो आपको गले लगाए और चूमे। आप जानते हो प्रभु गले लगाते हैं? क्या आपको पता है प्रभु चूमते हैं? लूका 15 अध्याय में कुमरा पुत्र को गले लगाया, चूमा। आप जानते हैं क्यों यीशु इतना दुआ करता था? क्योंकि वो पिता से प्यार करता था। और क्यों वो पिता से प्यार करता था? क्योंकि वो जानता था पिता उससे कैसा प्रेम करता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारा ध्यान भटकाया गया। हम मसीह में आने के बाद भी चीजें ढूंढ रहे हैं, हम खुदा में आने के बाद भी ये जगह ढूंढ रहे हैं, मैं कब यहां आऊं? ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो मसीहत में भी दुनिया ढूंढ रहे हैं, बस वो यहां आना चाहते इस जगह पे, ताकि पॉपुलर हो जाए, ताकि फेमस हो जाए। आपसे पूछना चाहता हूं, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं क्या आप उसे जानते हैं? यीशु ने सामरी स्त्री से यही तो बात कही, तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते, हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं। परमेश्वर को जानिए। ये चीजें पाकर कभी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। नए नए रिलेशनशिप है ना, बहुत प्यारे लगते हैं, ओ मेरा मजा आता है। जो नए नए रिश्ते आते हैं ना लोगों की जिंदगियों में, उन्हें लगता है नो ये रिश्ता मुझे चलाएगा। अरे 6-8 महीने के बाद लोग फेड अप हो जाते हैं। फोन को देखिए, आप कितना भी महंगा फोन लेकर आओ कितना चलोगे, एक ना एक दिन आप उसे रख दोगे कि यार अभी कुछ नया चाहिए मुझे। दुनिया की कोई चीज आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। आपको जितना घूमना है घूमो, जितना भागना है भागो, आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागो, आप सीए बनो, आप सीएस बनो, आप नर्स बनो, आप नीट का एग्जाम दो, एवरीथिंग इज गुड, बट कोई भी चीज आपको अंदर से सेटिस्फाई नहीं करती। मनुष्य की संतुष्टि मात्र परमेश्वर के करीब है।
कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। एक व्यक्ति जिसके पास कोई तकलीफ नहीं है पर वो सबसे बढ़कर प्रेयर कर रहा है। क्यों प्रेयर कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि कोई है जो उसे प्यार करता है, और ये प्यार उसने कैसे जाना? क्योंकि उसने उसको अपना समय दिया। आज मैं मीटिंग को मात्र 10 मिनट में बंद करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आप कितना समय प्रभु को देते? हाउ मच यू स्पेंड योर टाइम विथ योर गॉड? कितना समय आप उसे देते? क्या सच में जब आप बैठते हैं तो उसके साथ रहते कि ये भी एक नियम है कि बैठना है? आज का प्रॉब्लम पता है क्या है? आज का प्रॉब्लम है लोगों को आजकल पता है क्या चाहिए? भविष्यवाणी। एक पास्टर आए, अगर मैं आपको सच कहता हूं, अगर अंकल आपके उस पे जो बाहर फोटो लगा हुआ है वहां लिखा है पास्टर सूरज मेहमानी, उस पे खाली लिखे कितना भविष्यवक्ता सूरज मेहमानी, पूरा पनवेल आ गया और तक पनवेल कर आ रहे, ओ भविष्यवक्ता आया है, भविष्यवाणी करेगा। ये लोग आजकल प्रभु नहीं चाहिए, फ्यूचर कैसे बनेगा? भविष्यवाणी। दूसरा पता है लोगों को क्या चाहिए? कहिए चमत्कार। चमत्कार, जहां लोथ वहां गिद्ध, चमत्कार चाहिए। तीसरा पता है लोगों को क्या चाहिए? पास्टर जी हाथ रखो, दैट्स कॉल्ड ले हैंड, ले हैंड, ले ले हैंड। लेकिन जब बात होती है, अगर आप ऐसी जगहों पे जाएंगे जहां पर सिर्फ वचन मिलता है, आपको लोग वहां कम मिलेंगे। क्योंकि लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है यार, मैनिफेस्टेशन इज इंपॉर्टेंट। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कुछ दिखाओ, कुछ दिखाओ मुझे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सबसे बड़ी भीड़ यीशु के पीछे यूहन्ना 6 अध्याय में आती है। आप खोलिए से सुन लीजिए, यीशु मसीह ने उन्हें वचन बताया। 3 दिन 3 रात तक वो लोग उसके साथ रहे। अचानक यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, ये 3 दिन 3 रात से मेरे साथ हैं, मुझे बड़ा तरस आ रहा है इन लोगों पे, तो मैं खाना खाने के लिए दो। चेलों ने कहा, प्रभु हमारे पास नहीं है। तब यीशु ने सबको बिठा दिया, आसमान से खाना मंगाया पिता की तरफ से, सबको खिलाया। और जब खा रहे थे यीशु मसीह चले गए। अब ये भीड़ जिसने खाना खाया था यीशु को खोज रही थी। खोजते खोजते यीशु को समझ में आ गया कि अब इनके मोटिव्स बदल चुके हैं। ये पहले वचन सुनने आए थे, अब इन्हें रोटियां चाहिए। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें कहा, नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, जीवन की रोटी मैं हूं। I am the bread of life। उसने कहा, मैं तुम्हारी रोटी हूं, और जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाते, जब तक तुम मेरा लहू नहीं पीते। जब उन्होंने ये संदेश सुना सब चले गए। सबको लगा ये तो गलपा में सिखा रहा है। लेवी व्यवस्था में लिखा है खून को चखना भी नहीं, और ये कहता है मेरा खून पियो, ये तो गलत टीचिंग है। सब चले गए, 12 बज गए। उन 12 को यीशु ने कहा, तुम्हें जाना है, तुम्हें जाओ। व्हाट अ एटीट्यूड, तुम्हें जाना, तुम भी निकलो इधर से। तब पतरस ने कहा, हम कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं। सुनिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। जो चमत्कारों के लिए आए थे सब चले, जिन्होंने वचन समझा बिखरे। आज हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जो लोग सिर्फ चमत्कार 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 के पीछे भागते हैं, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं। आपको पता है इस दुनिया में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? मैंने मसीहों के प्रति इन दिनों में जो नफरत बढ़ते हुए देखी है ना, कभी नहीं देखी।
एक टाइम था सभी आपसे नफरत नहीं करते थे, लेकिन आज आपने देखा हमारे खिलाफ क्या क्या मन में जहर लेके बैठे हैं लोग। धर्म परिवर्तन करते हैं ये लोग, इनको पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं किसी को मिले आज? मैं सच्ची बोलता हूँ, अगर मिलता है तो बोलो मैं चलूंगा, मैं सब चलेंगे मेरे साथ, सारे भाई चलेंगे, हम सबको सौ रुपए नया धंधा खोलेंगे, कितने और कोई चलेगा मेरे साथ? कोई भाई होगा देखो, कुछ और भी लालची है हमारे साथ, चावल की बोरी की वजह से ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं। आप कितनी नफरत है हमारे लिए। मैंने एक भाई को सुसमाचार बताया और चर्च का पता बता दिया कि अगर चाहो तो यहाँ आओ। पता है क्या बोलता है? बोलता है आपकी चर्च और कोई कहा नहीं है क्या? मैंने कहा तुझे वहां आने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैं आ तो सकता हूँ लेकिन एक दिक्कत है। मैंने कहा क्या? वो जो बिल्डिंग है ना आपका जहाँ चर्च चलता है उसके बिल्कुल बाजू में मेरे जीजा जी रहते, अगर उन्होंने मुझे चर्च से बाहर आते हुए देख लिया ना तो आप देख रहे हो समाज कितना डरे लोगों में। जो लोग प्रभु के वचन को नहीं जानते क्या आने वाले दिनों में जब परीक्षाएं आएंगी तो क्या वो खड़े रह पाएंगे? कितने लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने कोविड में यीशु को छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, मैंने उनके मैं उनके घरों में गया, मैंने उनसे बातें की फोन पे, मैंने कहा क्यों नहीं आते हो चर्च? पास्टर जी प्रभु थे तो हमारा भाई क्यों नहीं बचा? पास्टर जी अगर खुदा था तो मेरी मम्मी क्यों नहीं बची? जब परमेश्वर ने कहा देख जो वचन नहीं पढ़ते जो नहीं समझते उनकी हालत क्या है। अगर वो वचन समझते, अगर उनकी जिंदगी की नींव प्रभु का वचन होता उनकी हालत कभी। आप जानते हैं हम यहां पर जो बैठे हैं ना हमारे परिवारों में भी मृत्यु है, मृत्यु हुई। मेरी बहन मेरे साथ रहती है, वे विधवा है। मैंने 45 साल का भाई हुआ तो क्या खुदा झूठा? और उस कहता है पूरी दुनिया झूठी वरन वो सच्चा है। आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं जिसकी आप आराधना करते हैं? क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप उसको समय देते हैं? न्याय के दिन किसी को भी जब ईश्वर ने अपने आप से दूर किया उन्हें एक ही लफ्ज कह के दूर किया, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप पढ़ के देखिए हमारी बाइबल मुकद्दस कहती है जब प्रभु ने लोगों को रिजेक्ट किया तो ये लाइन बोलकर रिजेक्ट किया मैं तुम्हें नहीं जानता। ये कैसे हो सकता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक मनुष्य को नहीं जाने? वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, पर वो मनुष्य को नहीं जानता, ये कैसे हो सकता? आपको पता है एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा गया है? मैं तुम्हें इसलिए नहीं जानता क्योंकि तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं कि तुम कौन हो। मेरा मतलब क्या परमेश्वर नहीं जानता था याकूब का नाम याकूब है तो भी वो उससे पूछता है याकूब सॉरी तेरा नाम क्या? क्या प्रभु नहीं जानता था आप ही मर चुका है तो भी केन के पास के कहता है तेरा भाई का? क्या प्रभु नहीं जानता था आदम ने फल खाया है तो भी आके कहता है क्या तूने फल खाया? क्या प्रभु नहीं जानता था 5,000 लोगों को खाना कौन खिलाएगा तो भी फिलिप्पुस से कहता है हम इनके खाने का प्रयोजन कहां से? समटाइम्स गॉड बिहेव लाइक अ ह्यूमन। क्या परमेश्वर नहीं जानता? मेरे पनवेल के भाइयों, मेरे पनवेल की बहनों, मैं आज आपको ये बताने आया हूं परमेश्वर आपको इसलिए जानने न पाए क्योंकि वो परमेश्वर है, परमेश्वर आपको इसलिए जान पाए क्योंकि आपने उसे बताया है आप कौन हैं। आप
जिससे बताया है आप कौन है। सब चीजें बताना, एक आदमी को अगर आप सब बता रहे हो ना, इसका मतलब आप उसके साथ एक संबंध मेंटेन रख रहे हो। खाना खाया सर? यस मैंने खाया। पानी लिया आपने सर? यस मैंने लिया। आपके घर पे सब ठीक है? ये सुबह सुबह हमारी बातचीत हुई किसी के साथ, फिर शाम को आप उसको फिर मैसेज करते हो, ऑल गुड, ऑल फाइन, यस। इसे कहते हैं एक संबंध बनाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दिन में कितनी बार प्रभु के पास जाते हैं? दानियल 3 बार जाता हूं। मुझे माफ करिए, हमारे ध्यान को भटकाया गया है। हम असली मुद्दों को छोड़ के चूड़न के पीछे भाग रहे हैं। देखा आपने यीशु ने क्या कहा? एक औरत आई थी उसके पास, उसने क्या कहा? प्रभु मेरी बेटी बीमार है। कहता है बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। तब वो कहती है प्रभु ठीक है काम कर, कुत्ते जो है वो चूरन खा लेते हैं। पता यीशु ने क्या कहा? चमत्कारों को यीशु ने चूरन कहा। वो कहती है हाँ चमत्कार चूरन ही है। अरे चूरन के पीछे था, चूरन समझते हो बचपन में चाट लेते थे हम लोग। अरे क्यों चूरन के पीछे था? जीवन की रोटी के पीछे भागो। वर्ड ऑफ गॉड ना, उस सच कहता हूं, इस दुनिया का रिचेस्ट व्यक्ति वो है जो परमेश्वर को जानता है। इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, आपको पता है, पैसे, अच्छा फोन, अच्छा घर, ये कोई भी चीज आपको सिग्नल नहीं कर सकती। लेकिन जब आप परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं, कोई आपसे पूछेगा ना भाई तो खुश क्यों है? अरे बता रहा खुश क्यों है? रीजन ही नहीं पता। ये अमीरी कही जाती है, दैट इज कॉल्ड अमीरी। ब्रदर आप हमें बताइए आप बोलना क्या चाहते हो? परमेश्वर को अपना समय दो ताकि अपने आप को प्रकट कर सके आपने कि आपको कौन है। मेरी दुआ है कि हम उन दुआओं में आए जहां पर सिर्फ मांगना नहीं है पर कथा से प्रेम हो। कथा से प्रेम, मैं कभी कभी सोचता हूं जीसस जंगलों में जाता होगा क्या बात करता होगा, क्या बात करता होगा। मुझे लगता है वो पिता को बताता होगा कि पिता तू खुद भी नहीं जानता तू कौन है, तू कितना महान है, तू कितना भला परमेश्वर है। आप जानते हैं एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति कमिट हो जाएगा अपना बदले बदल जाएगा। बताइए दानियल अकेला था, यर्मिया अकेला था, नूह अकेला था, अब्राहम अकेला था। कभी आपने सोचा परमेश्वर के साथ संबंध रख के जिंदगी जिंदगी जीने वालों का इंपैक्ट क्या लोगों पे आया? प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आपको बताता हूं, सामने देखिए, स्ट्रेट बैठ सामने देखिए, आपको मैं बताता हूं क्या। दिल्ली जा रहा था मैं, दिल्ली जा रहा था, आते आते दिल्ली से हैदराबाद जा रहा था, कनेक्टिंग फ्लाइट थी। मुझे पता चला मेरी फ्लाइट लेट है, पर उन्होंने अनाउंस नहीं किया, उन्होंने कहा सिर्फ विलंबित। अब मैंने सोचा कि तो मैं क्रू मेंबर से मिलने के लिए गया, मैंने कहा सर अनाउंसमेंट इज नॉट करेक्ट। बोला व्हाट हैपेंड? मैंने कहा आप बोल रहे हो लेट है, लेकिन आप बताओ कितना लेट है, क्या करना है? बोला सर रुकिए 10 मिनट, हमें पता नहीं है क्योंकि एरोप्लेन अभी भी वहां से निकला नहीं है। तो मुझे लगा अभी एरोप्लेन हैदराबाद से निकलेगा 1.5-2 घंटा तो जाएगा, और आते आते ये लोग सफाई करेंगे, 3 घंटे हो गए और अभी निकला भी नहीं है, तो मुझे लगा 3-4 घंटे तो गए। दिल्ली के एयरपोर्ट नंबर टर्मिनस 3 पे
बहुत सारी किताबों की दुकान है क्रॉस वर्ड नाम, तो मैं वहां पर जाकर चला गया और कोई अच्छी किताब ढूंढने लगा। मेरा मन हुआ कि मैं कोई बायोग्राफी पढ़ू और वहां पर एक व्यक्ति की किताब पढ़ी, उसका नाम था हिटलर। पूरा नाम है किताब का एडोल्फ हिटलर। एक्चुअली उसका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर है, पूरा संगीत है किताब। मैं जानना चाह रहा था इसका ब्रेन कैसा है। आपको पता है जैसे उसकी मौत हुई उसी तरह से शादी की। बैठे बैठे 30-40 पन्ने पढ़ लिए, अंग्रेजी किताब थी, हिंदी और की सारा कंप्लीट करता है, पूरी किताब पढ़ी। आप में से जितनों को भी कोई भी जानकारी चाहिए ना, आप मीटिंग के बाद मुझसे मिलो, मैं आपको बताऊंगा। सारी जानकारी आप उसे ले लो और उसके बाद आप उससे सवाल पूछ सकते हो, ब्रदर इतनी अच्छी जानकारी है आपके पास। हाँ, आप उससे मिले कभी नहीं, मैं उससे कभी मिला ही नहीं। मेरे पास उसकी जानकारी है, उसका जन्म कब हुआ, कहाँ रहता था, जर्मनी का तानाशाह था, जैसे मरा था उसने शादी के लिए सुसाइड किया था उसने बंकर के अंदर, 7 लाख यहूदियों को उसने चेंबर में जलाया था, बड़ा नफरत करता था यहूदियों से, यहूदियों को देख के, क्योंकि उनको लगता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जब हारी थी तो इनकी वजह से हारी थी, ये कचरा उसके अंदर भरा गया। मेरे पास जबरदस्त इंफॉर्मेशन है उसमें, पर विश्वास कीजिए मैं उससे नहीं जानता। मेरे पास जानकारी है, मैं कभी नहीं मिला उससे। अब सेम हमारे साथ यही होता है, हम बाइबल पढ़ लेते हैं, मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, मांगो तो तुम्हें प्रभु में सदा देखिए सन्नाटा हुआ है। पर सवाल ये है जिसके बारे में पढ़ा है क्या उसे जानते हो, क्या उसे जानते हो। मैं हिटलर के बारे में पढ़ चुका हूं, मेरे पास जानकारी है, पर मेरा कोई रिलेशनशिप थोड़ी है उसके साथ, मैं उसको जानता भी नहीं हूं, मैं कभी उससे मिला नहीं, कभी हाथ नहीं मिलाया। आई हैव द इंफॉर्मेशन। हो सकता है आपको यीशु की ये सारी जानकारी पता है, कहां पैदा हुआ था, बैतलहम में, कहां बड़ा हुआ, नासरत में, मम्मी का नाम मैरी, डैडी का नाम जोसेफ, कितना टाइम मिनिस्ट्री किया, 33 एंड हाफ, कितने डिसाइपल्स थे, 12, कहां पर पढ़ा, कहां पढ़ा क्या, यहां पर आई नो एवरीथिंग, पर क्या आप उसे जानते हैं, यू नो हिम। ऐसा हो सकता है किसी के लिए आपके पास जानकारी है और उसके साथ कोई संबंध नहीं है। जानकारी किताब पढ़ के मिलती है, संबंध ऐसे बनता है। जानकारी किताब पढ़ के मिल जाती है जी, संबंध के लिए बैठना पड़ता है। ये है ना, ये काले करने पड़ते, ये पूरे ब्लैक करने पड़ते, घंटों बैठना पड़ता, तब तक बैठना पड़ता है जब तक वो बात न करे। आप अपना पूरा राशन का लिस्ट देकर निकल जाते, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, खुदा मेरा बच्चा बीमार, मेरी मम्मी बीमार, मेरे बच्चों का फीस भरना है, हम सब उसको बता के चले जाते हैं। कितने लोग हैं जो बैठे रहे, मैं नहीं चाहूंगा जब तक तुम बात नहीं हो, टॉक टू मी, तेरे मुंह से निकला गया वचन मेरी रोटी है, तू बोलेगा नहीं मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं ऐसे मांगता हूं उससे, अगर तू बात नहीं करेगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, क्योंकि लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं उसके मुंह से निकले गए कलाम से जिएगा, तू बोलेगा नहीं मैं भूखा रह जाऊंगा। एक शब्द मात्र, एक शब्द आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा।
एक बार अगर आपने यूनो ये वो जनरेशन है, सच कहता हूं, जब परमेश्वर एली से नहीं सैमुएल से बात करता है। एक टाइम था जब बाइबल कहती है एली महायाजक बैठा था और वहां पर एक लड़का सोया था जिसका नाम सैमुएल था, परमेश्वर शमूएल से बात कर रहा है। मैंने देखा है इन दिनों में परमेश्वर इंटरेस्टेड है साधारण लोगों से बात करने के लिए। हमें लगता है परमेश्वर सिर्फ उन लोगों से बात करता है जो यहां खड़े हैं। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर इन दिनों में एली से अधिक छोटे बच्चों से बातें कर रहा है। गॉड इज स्पीकिंग। यीशु सिर्फ हमारी तरह पिता को सब बता के चला नहीं आता था, सुनता था। ये हेयर हिज फादर मुझे बहुत पसंद है। एक सब पहाड़ के नीचे खड़े थे, यीशु पर प्रेयर कर रहे थे। यीशु नीचे उतरा, चेले कहते हैं प्रभु ये लोग हमसे मिलना चाहते हैं। प्रभु ने हमको छोड़ो, मैं आज इस तरफ जाना है ताकि मैं वहां पर सुसमाचार प्रचार करूं। जब मैं इसको पढ़ रहा था मैं जान गया पहाड़ पे यही सुनाए सुनाए उसने आश्रय आ जा। जानकारी नहीं, सिर्फ जानकारी नहीं, एक संबंध रखो। जानकारी रखने वाले वे विचार कर सकते हैं, वे अफेयर में भी रह सकते हैं, संबंध वाला कभी नहीं रह पाऊंगा क्योंकि प्रभु रहने ही नहीं। वो कहेगा यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स, तू दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक प्रभु की जानकारी रखने वाला अश्लील वीडियोस देख सकता है लेकिन प्रभु के साथ संबंध रखने वाला कभी पॉर्न वीडियोस नहीं देखेगा। एक जानकारी रखने वाला व्यक्ति अपने स्वयं के बदन के साथ व्यभिचार कर सकता है, मैस्टरबेशन जैसे पापों को लेकर, लेकिन परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति कभी अपने बदन को अशुद्ध नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि ये खुदा को पसंद नहीं है। एक जानकारी रखने वाला व्यक्ति सारे दुनिया से पैसे लेके शायद न लौटाए लेकिन एक प्रभु के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति किसी का एक रुपया भी अपने जेब में नहीं रखेगा। आज कितने लोग हैं यहां जो इस बात को मानते हैं कि सूरज भाई थोड़े थोड़े लंबे ऐसे ही हैं, जानकारी बहुत है, संबंध छोटा सा। प्रभु को जानने वाली टांग बहुत छोटी है इसलिए बहुत बार लंगड़ा भी चलता हूं। इसलिए इब्रानी की किताब में लिखा है लंगड़ा के पटक न जाए तो ध्यान। अगर आज आपको लगता है यस ब्रदर जानकारी तो बहुत है क्योंकि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं, मैं तो मेरा सरने भी डिसूजा फर्नांडिस ये सब है, मैं तो हूं ही क्रिश्चियन परिवार में जन्मा। ओ मैं तो ब्रदर आपको पता नहीं है, मैं मैरी से प्रेयर करता हूँ, मैं संतों से प्रार्थना करता हूँ, ब्रदर मैं रोजरी पढ़ता हूँ, मैं तो पर ब्रदर आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं सूरज जानता हूँ अपने खुदा को। अगर आपको लगता है आज हाँ ब्रदर ये वचन मेरे लिए ना, मुझे प्रभु कह रहे हैं कि संबंध रख, जानकारी नहीं सर, तो आप अपने जगहों में खड़े हो सकते हैं। नाम के लिए दुआ करूंगा। आइए अपनी आंखें बंद करें। जीवित पर महान स्वर्गीय पिता
हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं पिता। जानकारी तो बहुत है क्योंकि हम मसीह परिवार में तो जानते हैं, लेकिन प्रभु आज ऐसा फील हो रहा है जिसकी जानकारी है उसे जानती नहीं है। लेकिन प्रभु तू वो खुदा नहीं है जो सिर्फ दोष लगाता है, तू वो खुदा नहीं है जो सिर्फ दिखा देता है कि तू गलत है, तू वो खुदा है जो मदद करता है, सहायता करता है। आज मैं मांगता हूं मेरी और मेरे भाई बहनों मदद कर, सहायता। हम वापस एक खूबसूरत संबंध में आना चाहते हैं, एक ऐसे संबंध में जहां पर सिर्फ हम न बोले पर हम तुझे भी बोलते हुए सुन पाए, जिसे तू सैमुएल से बातें करता था, तो मूसा से बात करता था, अब तू मुझसे भी बात कर।
थैंक यू।